इस समय बीजेपी में कब क्या हो जाए ये खुद बीजेपी नेताओं को ही नहीं पता होता, जिसकी वानगी अभी हाल ही में बिहार में देखने को मिली, जब सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम इस पद की रेस में दूर दूर तक नहीं था। वहीं अब खबर ये है कि सम्राट चौधरी पार्टी के इस फैसले से नाराज है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जहां चुनावों में आए परिणामों ने यूपी बीजेपी की आंतरिक कलह को उजागर कर दिया, तो वहीं अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को अचानक से बदलना बिहार बीजेपी में फूट की ओर संकेत दे रहा है। क्योंकि खबर ये है कि सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। दावा किया जा रहा है कि चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद छोड़ने की बात पार्टी हाईकमान तक पहुंचा दी थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सम्राट चौधरी की मांग को नहीं माना और दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार एनडीए में भूमि और राजस्व मंत्री हैं, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सम्राट के सामने दिलीप की प्रोफाइल काफी लो है, इसके बावजूद उन्हें अचानक प्रदेश अध्यक्ष बनाना सभी के लिए काफी हैरान करने वाला था। वहीं बीजेपी के नेता इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी को सम्राट चौधरी से लवकुश यानी कोयरी और कुर्मी वोटों को अपने पाले में लाने की उम्मीद थी, क्योंकि बिहार में इन जातियों की आबादी 7% से ज्यादा है। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन इन सभी सीटों को हार गया और ये सीट आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के पास चली गई। तो दूसरी वजह थी सम्राट का आक्रामक रुख। बीजेपी को ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी एक आक्रामक चेहरे हैं, जो नीतीश कुमार के सामने खड़े हो सकते हैं, जिससे एनडीए में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ जायसवाल की छवि शांत रहकर संगठन का काम करने वाले व्यक्ति की है। ऐसे में दिलीप जायसवाल जैसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले से बीजेपी को लगता है कि उसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।